एक बहुत बड़ी समस्या अचानक आ गई थी यूक्रेन का और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसमें हमारे यहाँ के पूरे देश भर के लगभग 18,000-19,000 छात्र थे, हरियाणा के भी उसमें 1800 छात्र हैं। पहला काम तो यह है कि वो सकुशल वहाँ से वापस लौट आए, उसकी व्यवस्थाएं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने की, हमारे कई मंत्री वहाँ गए हैं, स्पेशल फ्लाइट्स वहाँ से चलाई गई और उसमें अधिकांश लोग वापस लौट आए हैं। फिर भी कुछ अभी शहरों में फंसे हुए हैं और बॉर्डर्स के ऊपर जो लोग हैं उनको तो फ्लाइट्स लेकर के जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि जो लोग अंदर रह गए हैं वो सुरक्षित कैसे निकले इसकी चिंता प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं और हम लोग भी लगातार अपने जो हरियाणा के लोग हैं उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। 1800 के आसपास हरियाणा के जो छात्र थे उसमें से 80 के आसपास अभी भी यूक्रेन में शहरों में जो हैं उनका संपर्क बना है और कैसे वो निकल सकते हैं उसकी चिंता हम सब कर रहे हैं और जब सब वापस आ जाएंगे तो फिर आगे इनके भविष्य की चिंता भी ज़रूर भारत सरकार भी करेगी, MCI करेगी और हम उसको फॉलोअप करेंगे और हम भी कोई अच्छे सुझाव उनको देने वाले हैं जब मीटिंग होगी उसमें जाकर सुझाव देंगे। अब वो जिनके बहुत कम समय रह गया, मानो 2-4 महीने रह गए हैं, तो उनको डिग्री वहाँ से कैसे मिले वो फिर जैसे ही थोड़ा सा शांत होगा वातावरण तो वहाँ के लोगों से बातचीत की जाएगी कि इनको डिग्री लेने के लिए वहाँ ना जाना पड़े, यहीं कोई व्यवस्था हो जाए। लेकिन ये सब चीज़ें एक वातावरण जैसे अनुकूल हो जाएगा उसके बाद के विषय है।